400 साल बाद नवरात्रि पर बना महासंयोग घर लाए पांच में से कोई भी एक चीज। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2023 में नवरात्रि कब से है और कब तक चलेगा, पूजा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ योग में घर लाए जाने वाले कुछ विशेष चीजों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा के नौ खास स्वरूपों की आराधना का पर्व है। यह अश्विन मास शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है और साल 2023 में शारदीय नवरात्रि पर्व 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर 24 अक्टूबर को दशहरे के साथ समाप्त होगा। ज्योतिष की माने तो इस बार शारदीय नवरात्रि में कुछ खास और बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो की बेहद शुभ होंगे। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2023 में बनने जा रहे शुभ योग, शुभ मुहूर्त और शुभ योगों में घर लाई जाने वाली कुछ खास चीजें क्या है। शारदीय नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2023। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर की रविवार से होगा। इस दिन घट या कलश स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा समाप्त होगी 16 अक्टूबर प्रातःकाल 12:32 पर। घट स्थापना मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47। घट स्थापना विजयत मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 11:44 से पर 12:30। दुर्गा अष्टमी होगी 22 अक्टूबर रविवार। महानवमी और नवरात्रि पारण होगा 23 अक्टूबर सोमवार। दुर्गा विसर्जन और दशहरा होगा 24 अक्टूबर मंगलवार। शारदीय नवरात्रि शुभ योग 2023। साल 2023 में 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के समाप्त होने के बाद अगले दिन 15 अक्टूबर रविवार अश्विन शुक्ल प्रतिपदा शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगा। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाएगी। इस दिन महाराजा अग्रसेन जयंती भी मनाया जाएगा। इस दिन वैद्य योग रहेगा जो स्थिर कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और माता शैलपुत्री पूजन के लिए प्रातःकाल स्नान कर पूजा स्थल को स्वच्छ कर ली और कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में सप्तधान भोले और उसमें जल से भरा कलश रखकर रोली से स्वास्तिक बना ली। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध कर उसे मिट्टी के पात्र में रख दी। अब कलश के ऊपर सोए आके बन के तिरखे, इसके बाद नारियल गुलाब के लाल में लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित कर दे। इस तरह का कर कलश की स्थापना के बाद समस्त देवी देवताओं और देवी माँ का आह्वान कर विधिवत पूजा करें। नवरात्रि पर घर लाई एक चीज। नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता की पूजा मनोकामना पूरी करने वाली मानी जाती है। इस साल नवरात्रि के प्रत्येक दिन कई शुभ योगों का निर्माण होगा। शुभ योग और शुभ मुहूर्त में न सिर्फ माँ की पूजा फलदायी होती है बल्कि कुछ विशेष चीजें खरीदना भी शुभ होता है। इस बार नवरात्रि में कमल पे विराजमान माँ की प्रतिमा, लक्ष्मी गणेश के सिक्के, मोरपंख, कौरिया, श्रृंगार सामग्री, गाय का शुद्ध घी, माँ का मौली और नारियल, इनमें से कोई भी चीज घर में लेकर आए और इससे पूजा में रखे। इससे माँ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।